सो so गाइज आज की वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान कौन से स्ट्राइक प्राइसेस हम ट्रेड कर सकते हैं क्या मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा या रेंज बाउंड रहेगा एंड मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फॉर दर डिले एंड गाइज एज ऑलवेज हम डेली चार्ट से शुरुआत करते हैं एंड निफ्टी का ये डेली चार्ट है एंड फिफ्टी एम ए हम हमेशा देखते हैं सो फिफ्टी एम ए इज स्लोपिंग अपवर्ड्स इसका बेसिकली मतलब ये है कि मार्केट इज स्टिल इन द अप ट्रेंड राइट बट वीकली चार्ट पे मेरे थोड़े से डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है एंड मैं वो आपको बताना चाहूंगा सो so, अगर आपको एलियट वेव्स के बारे में पता है गाइस तो ये फिफ्थ वेव मे बी हो सकता है अब गाइस फिफ्थ वेव तो हमें पता चल गया कि मे बी ये फिफ्थ वेव है बट एग्जैक्टली exactly होता क्या है फिफ्थ वेव के बाद तो एलियट वेव के हिसाब से फिफ्थ वेव के बाद एटलीस्ट एक टाइम करेक्शन आ सकता है या एक काउंटर ट्रेंड आ सकता है सो so, इस केस में मे बी हमें एक साइडवेज मूव दिख जाए या एक बैरिश मूव दिख जाए इन द कमिंग वीक्स बट गाइज आपको ये दिख रहा है कि हर वीक में प्रीवियस वीक का लो ब्रीच हुआ ही नहीं है तो जब तक प्रीवियस वीक का लो ब्रीच नहीं होता है तब तक हम ये व्यू एक्टिवेट नहीं कर सकते एंड लेट्स से कि जो ये ये जो वाला वीक है लो है अराउंड फिफ्टी थाउजेंड फाइव सिक्सटी सिक्स सो इसके नीचे अगर मार्केट्स चले जाते हैं देन हम अज्यूम कर सकते हैं कि एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स हमें एक साइडवेज मूव मिलेगा या एक थोड़ा सा बेरिश करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है ऑल्सो काफर्म कैसे कर सकते हैं आप आर एस आई डायवर्जेंस के थ्रू भी फिफ्थ वेव को कंफर्म कर सकते हो एंड अगर आप आर एस आई में देखोगे तो आपको डेफिनेटली एक बैरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है सो so, क्या इसका यह मतलब है कि मार्केट्स विल स्टार्ट फॉलोइंग रैपिडली दैट इज डेफिनेटली नॉट द केस ये सिर्फ एक व्यू बिल्डिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूं कि आने वाले हफ्तों में मे भी क्या हो सकता है राइट सो लेट्स डिलीट दिस एंड लेट्स गो ऑन डेली चार्ज वंस अगेन एंड डेली चार्ज पे गाइज उसके अलावा कुछ खास देखने को है नहीं हमें सिंपली ये दिख रहा है कि फिफ्टी एम ए इज स्टिल स्लोपिंग अपवर्ड यानी मार्केट इज स्टिल बुलिश और जैसे आपको यहां पर दिख रहा है कि दिस इज द ब्रेकआउट लेवल सो मे बी अगर एक बैरिश मूव आता है तो इसके आजू बाजू हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है क्यों क्योंकि फिफ्टी एम ए भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा एज वेल एज ये प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है तो जनरली हमें सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है राइट सो नाउ लेट्स गो ऑन आवर् चार्ज और क्योंकि हम वीकली व्यू लेते हैं यानी हम वीकली व्यू बनाते रहते हैं एवरी वीक नया व्यू बनता है इसलिए मैं आवली चार्ज प्रिफर करता हूँ एंड आवली चार्ज पे ही ट्रेड करता हूँ आपको ये दिख रहा है, मतलब है कि आवली चार्ज में थोड़ा सा स्टोरी इज डिफरेंट यानी जो आवली चार्ज का फिफ्टी एम है वो बैंड इज स्लोपिंग डाउनवर्ड बेसिकली इसका मतलब यह है कि आवली चार्ज में हमें एक बैरिश मोमेंटम थोड़ा सा दिख रहा है सिंपली बिकॉज फिफ्टी एम ए इज स्लोपिंग डाउनवर्ड

यानी अराउंड दिस एरिया आप बोल सकते हो गैप का एरिया से लेके इस लेवल पे तो जब भी इस लेवल के नीचे हमें ब्रेकडाउन मिल जाता है लेट्स से 15,600 लेवल्स के नीचे तभी हम बैरिश स्ट्राइंगल्स कर सकते हैं और क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा था कि डेली चार्ज में सपोर्ट हमें दिख रहा है अच्छा खासा एंड यहां पर एक सपोर्ट भी है जो अगर मार्केट टूटता है तो मे बी इसी रेंज में मार्केट घूम सकता है एंड बैरिश ट्राइंगल का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब भी आप स्ट्राइंगल्स बना रहे हो आपको कॉल सेल का प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा रखना है क्योंकि अगर आपका बैरिश व्यू है एंड शॉर्टर टर्म में डाउन मूव में आपको ज्यादा फायदा होगा सिंपली बिकॉज आपके कॉल के प्रीमियम हायर है राइट right? सो so, ये मेरा व्यू होगा फॉर निफ्टी अगेन मैं रिपीट कर देता हूं क्विकली 15,600 के नीचे अगर एक आवली कैंडल का क्लोज हमें मिल जाता है देन आई वुड प्रिफर अ बैरिश स्ट्रैंगल्स फॉर निफ्टी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक अब जाते हैं बैंक निफ्टी पे गाइज एंड बैंक निफ्टी का स्टोरी इज अ लिटिल बिट डिफरेंट एंड डेली चार्ज पे अगर आप देखोगे सो so आपको ये दिख रहा है कि बैंक निफ्टी का जो फिफ्टी एम का बैंड है वो फ्लैट होना शुरू हो गया है आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर अच्छा खासा अपट्रेंड था बैंड वॉज मूविंग अपवर्ड्स यहां पर डाउन ट्रेंड आ गया बैंड वॉज ऑल्सो मूविंग डाउनवर्ड्स एंड यहां पर आपको दिख रहा है कि बैंड हैज स्टार्टेड फ्लैटनिंग राइट सो डेली में कुछ खास हमें ट्रेंड नहीं दिख रहा है ना बेरिश ट्रेंड हमें दिख रहा है ना बुलिश ट्रेंड दिख रहा है वीकली चार्ज इज नॉट सो ग्रेट कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है वीकली चार्ज में इसलिए हम वीकली चार्ज नहीं देखेंगे बट आपको यह दिख रहा है कि बैंक निफ्टी इज नियर सपोर्ट लेवल्स यहां पर आपको दिख रहा है कि काफी सारे पीवर पॉइंट्स बने एंड दिस इज ऑल्सो अ ब्रेकआउट लेवल एज वेल नाउ लेट्स गो ऑन आवली चार्ट आवली चार्ट पे अगेन गाइज फिफ्टी एम ए इज स्लोपिंग डाउनवर्ड यानी डेली चार्ट इज साइडवेज आवली चार्ट इज बेरिश सो मेरा व्यू गाइज बैंक निफ्टी के लिए एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक इज दैट अगर थर्टी फोर थ्री हंड्रेड लेवल्स के नीचे अगर हमें एक आवली कैंडल का क्लोज मिल जाता है देन हम सिंपली कॉल सेल कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक और हम कौन से कॉल्स चुन सकते हैं हम सिंपली इस लेवल्स के कॉल्स चुन सकते हैं सो so, आपको थर्टी फाइव फोर हंड्रेड क्यों चूज करना है क्योंकि मैं जनरली पीवर पॉइंट के हिसाब से कॉल्स या पुट्स के स्ट्राइक सेलेक्ट करता हूं एंड आपको ये दिख रहा है कि नियरेस्ट नियरस्ट पॉइंट इज अराउंड दिस एरिया पॉइंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि मार्केट हैज हैजर्न फ्रॉम दैट एरिया तो आपको यहां पर दिख रहा है कि थर्टी फाइव फोर हंड्रेड लेवल्स पे मार्केट ने काफी बारी रेजिस्टेंस लिया है सो so इसलिए यहां पर वापस आना प्राइस का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इसलिए मैं सिंपली ये स्ट्राइक प्राइसेस चूज करता हूं एंड मेरा स्टॉप लॉस जनरली होता है एट्टी परसेंट टू हंड्रेड परसेंट ऑफ द टोटल प्रीमियम यानी लेट्स कि हमने जब इस लेवल का कॉल सेल कर दिया एंड इसका प्राइस था अराउंड हंड्रेड रुपीज तो मेरा स्टॉप लॉस जनरली होगा अराउंड वन एट्टी से लेकर टू हंड्रेड लेवल पे एंड अगर वहां पर प्राइस आ जाती है कॉल ऑप्शन की देन सिंपली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आई वुड लुक फॉर द नेक्स्ट रेड ये कोई मैजिक फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं है कि हमने इतना सारा एनालिसिस किया तो हमेशा हमारा व्यू राइट right जाना चाहिए दिस इज डेफिनेटली नॉट द केस ट्रेडिंग सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का गेम है एंड ये सारी एनालिसिस के बाद हमारा सिर्फ प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा हायर साइड पे चले जाता है दैट्स ऑल एंड रिस्क मैनेजमेंट इज की गाइस और लेट से कि मैंने इसी स्ट्राइक प्राइस पे अपना सारा पैसा डाल दिया एंड मार्केट्स मार्केट गैपटअप और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा सारा कैपिटल जीरो हो जाएगा दिस इज नॉट हाउ ट्रेडिंग वर्क और आपको ओवर टाइम प्रॉफिटेबल रहना है आप जब हंड्रेड ट्रेड्स लोगे टू हंड्रेड ट्रेड लोगे तभी जाके आपको देखना है कि आपका परफॉर्मेंस कैसे जा रहा है इमीजिएट ट्रेड आउटकम्स में आपके लॉस जरूर हो सकते हैं बट अगर आप ये सारी एनालिसिस करके ओवर टाइम प्रॉफिटेबल हो देन दैट इज सिंपली ग्रेट सो अगेन गाइज थोड़ा सा व्यू इज बेरिश फॉर द नेक्स्ट वीक स्पेशली अगर हमारे लेवल्स टूटते हैं तो सो so अगेन बैंक निफ्टी के लिए हमारा 34,300 लेवल्स है 34,300 के नीचे अगर एक आवली कैनल का क्लोज मिलता है देन आई वुड लव टू सेल दीज कॉल ऑप्शन इनफैक्ट गाइज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी ट्रेड आइडिया शेयर कर दिया था 35,400 कॉल ऑप्शन सेल करने का सिंपली बिकॉज मेरा एंटिसिपेशन ये है कि हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और अगर नहीं भी मिलता है एंड साइडवेज मूवमेंट भी आ जाता है तो भी कॉल ऑप्शन तो डीके होना ही है इसलिए मैंने हाफ क्वांटिटी का थर्टी फाइव फोर हंड्रेड ऑलरेडी सेल कर दिया है एंड लेट्स सी कि ब्रेकडाउन हमें मिल जाता है देन आई वुड लव टू सेल लिव इन थर्टी फाइव थाउजेंड कल ऑप्शन राइट क्योंकि राउंड नंबर भी है ऑल्सो काफी सारे कॉल राइटर्स भी यहाँ पर बैठे होंगे इस स्ट्राइक पर दैट्स वाई आई हैव ऑलरेडी सोल्ड हाफ क्वांटिटी एंड अगर जैसे मैंने आपको बताया ब्रेकडाउन मिल जाता है देन मैं सेकंड हाफ क्वांटिटी भी थर्टी फाइव थाउजेंड पर एड कर दूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आया मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो बिकॉज ये चैनल को बहुत हेल्प करता है ग्रो करने के लिए एंड आपके लिए लिटरली सिर्फ दो सेकंड का काम है एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीक विद न्यू ट्रेड प्लान बाय बाय